नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूनियन बैंक से यूनियन बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं IMPS से। तो आज इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं करते हैं और बेनिफिशियरी को कैसे सेट करते हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक को हम इसी वीडियो में बता भी देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आया और अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के वीडियो बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको आना है अपना नेट बैंकिंग में, आपको लॉगिन पहले हो जाना है, उसके बाद आपको आना है ट्रांसफ़र पे। तो हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो आएगा इधर, देखिए आपको जाना है। और अगर मैं अदर बैंक में भेजना है, जैसे SBI का हो गया, PNB का हो गया, तो आपको इधर आना पड़ेगा। पर अभी हम NFT RTGS अदर बैंक के लिए इसमें आना पड़ेगा। तो अभी हम यूनियन बैंक टू यूनियन बैंक का बता रहे हैं। तो आपको आना है टू अदर UBI अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं और देखिए, पहले हम बेनिफिशरीज में सेट करेंगे। अगर मैं उसका अकाउंट नंबर जिसके अकाउंट में आपको भेजना है, तो पहले तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले सेट करना पड़ेगा, तो आपको पहले इस पर क्लिक करना है रजिस्टर बेनिफिशरी पे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल वोबाइल नंबर दिखाएगा। तो हमने इसको हाइड कर दिया है, मोबाइल नंबर को अपने और ईमेल को भी। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, इधर लिखा है बेनिफिशियरी नेम, देखिए ये बेनिफिशियरी नेम लिखा है ना, तो इसमें डालना है जिनके अकाउंट में भेज रहे हैं उनका नाम लिखना है, और उनका इधर लिखा है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिनके अकाउंट में भेजना है उनका अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं, बेनिफिशरी नाम भी डाल लेते हैं। उसके बाद हमको हम आते हैं बेनिफिशरी अकाउंट में। तो बेनिफिशरी अकाउंट में हम डाल लेते हैं फिर इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि अकाउंट नंबर और नाम सही है ना। तो हम कंफर्म कर लेते हैं और आपको एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। तो हम एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं। थोड़ा लेट चलो इसके लिए, सॉरी। तो देखिए लिख आ जाएगा बेनिफिशरी सेट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। मतलब ये 24 घंटा के अंदर आपका, 24 घंटे के बाद क्या करना है इसको, आप 24 घंटे के बाद ही इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे जैसे आप बेनिफिशरी सेट कर लेते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे 5 मिनट के बाद आपको एक मैसेज आता है। तो चलिए वो मैसेज भी देख लेते हैं, अभी हम चेक करते हैं हमारे में है या नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी ये अभी मैसेज नहीं आएगा, अभी 2-4 मिनट के बाद आएगा, तब तक हम इतना वेट करने वाले हैं नहीं है, क्योंकि हमने कल भी यूनियन बैंक का एक बेनिफिशियरी सेट किए थे। तो हम देखते हैं उसका है या नहीं है, चेक करते हैं। तो देखिए हम मैसेंजर बॉक्स में आए हैं, तो इसमें है मैसेज बॉक्स में, तो ऐसे ही आता है आपको तुरंत 5 मिनट के बाद मैसेज आता है। तो यही लिखा रहेगा जिनके नाम पर, ऊपर नाम भी दिखाएगा, तो हमने सेट किया था उनका नाम भी दिखा रहा था। तो अभी हम जो सेट किया है ना वो नहीं, अभी 5 मिनट के बाद वो आ जाएगा, और ये 48 घंटे के अंदर। मतलब देखिए आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना KVU91, तो आपके मोबाइल नंबर पे कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये इतना लेना है आपको, और भी क्या करना है 24 घंटे के बाद इसको करना है, 24 घंटा से 48 घंटे के अंदर में इसको करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं,
इसको इतना लेना है और उसमें 24 घंटे के बाद जाना है आपको, ये मैसेज आने के बाद 24 घंटे के बाद फिर अपने नेट बैंकिंग में जाना है। तो हम अपने नेट बैंकिंग में चलते हैं और आने के बाद फिर आपको शुरू से ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको इसी पर क्लिक करना है, टू अदर UBI अकाउंट, और उसके बाद आपको वो नंबर मिलने के बाद कंफर्म बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। यह है कन्फर्म बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करना है। और देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो कोड जो दिखाएं उसे ही आपको भी आएगा कोड, इसमें एंटर करना है सब, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका बेनिफिशियरी सेट हो जाएगा। फिर आपको आना है इसी पे टू अदर UBI अकाउंट में, इस पर क्लिक करना है। और चलिए हमने पहले से एक जन को सेट करके रखे हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको आना है ट्रांसफ़र पे, देखिए ट्रांसफ़र है, इस पर क्लिक करते हैं। जूम करके आपको दिखा देते हैं, देखिए ट्रांसफ़र पर हम क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, पहले तो इसमें लिमिट है कि 500 से और 5,000 के बीच में भेज सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा भेजे नहीं है, मगर आप 500 से ऊपर भेजिए, ठीक है। तो 500 से और 5,000 के बीच में भेजिए, और चाहे तो जितना भी भेज सकते हैं, मगर 5,000, ठीक है, 5,000 तक भी ये भेजिए। देखिए वो मैसेज भी आ गया हमारे मोबाइल पर जब हमने बेनिफिशरी को सेट किए थे। देखिए हम बोले थे ना आपको 5 मिनट के बाद ही आता है, ठीक है। देखिए ये यही आया है हमारा। तो अभी हमको जो इसमें भेजना है आपको, यहाँ इस पर क्लिक करना है, क्लिक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। और देखिए जिनके नाम में हमको भेजना है, प्रेम हरिलाल नाम है, इस पर क्लिक करना है, इस बिंदु पे इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए उनका अकाउंट नंबर सेव हो गया है। और ट्रांसफ़र अमाउंट, आपको अमाउंट कितना डालना है, और रिमार्क में अपना नाम ही डाल दीजिए, ठीक है, अपना ही नाम डाल दीजिए, कोई रिमार्क में कोई मुश्किल नहीं, कोई भी नाम चलता है। और इसको और बता दो, ये जो है ना इसी पर आने दीजिए। अगर मैं चाहते हैं कि आज हमारा 10 तारीख है और उनको 15 तारीख को पैसा उनके अकाउंट में जाए, तो आप यहाँ सेट भी कर सकते हैं और इस पर बिंदु क्लिक कर लीजिएगा। और सोचते हैं कि आप 1 सेकंड के अंदर, मतलब हम यहाँ ट्रांसफ़र करें उनके अकाउंट में जाए, तो आप ऊपर वाला ही सेट रहने देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए हम अमाउंट डालते हैं और हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम ट्रांसफ़र करते हैं कुछ, पच्चीस सौ हम ट्रांसफ़र करते हैं। और रिमार्क में हम अपना नाम ही ले लेते हैं। और फिर ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने इस पे ऊपर वाले पे भी अपना अकाउंट नंबर को ऐड नहीं किया। इस पे भी देखिए कि प्लीज़ सेलेक्ट डेबिट अकाउंट, तो क्लिक करना है और इस पे अपना अकाउंट नंबर पे इस पे आपको भी क्लिक कर देना है। तो चलिए हो गया, इसके लिए सॉरी। तो अभी हम फिर ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारा 2500 रुपया और ट्रांसफ़र होने वाला है। फिर आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो डाल लीजिए। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाला और इस पर ओके पर क्लिक करना है, तो हम ओके करते हैं। और देखिए ट्रांसफ़र भी हो गया, आप देख सकते हैं इधर सब कुछ दिखा रहा है,
जिनके अकाउंट में भेजे हैं और सब चीज़ यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और चाहते हैं इसको प्रिंट करना है या सेव करना, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है यूनियन बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तब तक जय हिंद।